हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी स्टूडियोज इनग्रेव पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन पार्ट 1, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन पार्ट 2। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं अनअकैडमी स्टूडियोज इनग्रेव के मेंबर्स के बारे में। उमाकांत शर्मा सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। विक्रमजीत चौधरी सर रीजनिंग गुरु कहलाते हैं। शंभु कुमार सर जीए और जीएस में डील करते हैं। पवन राव सर मैथमेटिक्स के धुरंधर कहे जाते हैं। माई सेल्फ टीच यू ऑल इंग्लिश, राइट। बट स्टिल आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि मैं पिछले 8 सालों से एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ। 1 लाख से ज़्यादा लर्नर्स को मैं मेंटोर कर चुका। पॉपुलरली एंड लविंगली आई एम कॉल्ड अ वॉकिंग डिक्शनरी और अ मिस्टर डिक्शनरी और अ मिस्टर वोकैब बिकॉज आई हैव मेमोराइज ऑल द वर्ड्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी का, जिसके थ्रू आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन कौन से टीचर्स कब कब क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेने पर आपको चूज करना पड़ेगा आपका अपना गोल, आपका गोल क्या है, एसएससी एग्जामिनेशन है। उसको चूज करने के बाद में आप आसानी से एसएससी एग्जामिनेशन से जितने भी एजुकेटर्स हैं सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं अनअकैडमी प्लस के। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने फेवरेट टीचर से, फेवरेट एजुकेटर से पढ़ते हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, मतलब बहुत ही इन डिटेल आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे एजुकेटर्स को आप अनलिमिटेड वे में एक्सेस कर सकते हैं। रियल टाइम इंट्रैक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ में, मतलब ऑनलाइन जब आप इंट्रैक्ट कर रहे हो एजुकेटर्स से तो उनसे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं टाइम मिल पा रहा है ऑनलाइन पढ़ने का, तो यू कैन डाउनलोड द वीडियोस एंड वॉच देम ऑफलाइन। आप वीडियोस को डाउनलोड कर लें और उनको ऑफलाइन पढ़ें तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ हमारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, राइट। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। अगर आप लेते हैं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6,000 रुपये का है। लेकिन अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं एसआर लाइव कोड, क्या अप्लाई करते हैं, एसआर लाइव कोड, तो एसआर लाइव कोड अप्लाई करने के बाद में 10% डिस्काउंट मिलता है और वो हो जाता है 5,400 रुपीस। अगर आप अप्लाई करते हैं अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि 9,600 रुपीस का है, ठीक है, अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं एसआर लाइव कोड तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। और जब 10% का डिस्काउंट मिलता है बेटा तो वो हो जाता है आपका 8,640 रुपीस। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ खास बातें थी अनअकैडमी की, इनको आप फॉलो करिएगा, आपको डेफिनेटली इससे फायदा मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, प्रोनाउन पार्ट 2, ठीक है। क्या बेटा, प्रोनाउन
पार्ट, ठीक है, हम लोगों ने प्रोनाउन पार्ट वन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक डिस्कस कर लिया, ठीक है, राइट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का क्या होता है? नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है, ऐसे प्रोनाउन जो किसी डेफिनेट की बात नहीं करते, डेफिनेट पर्सन की बात नहीं करते। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि everyone, अब everyone है प्रत्येक, कौन है, मेल है फीमेल है, कोई मतलब नहीं, everyone आ गया, indefinite pronoun है। anyone, कोई भी, indefinite pronoun है। एक pronoun क्या है, one, one भी क्या है, pronoun का काम करता है, one भी क्या है, pronoun का काम करता है, ठीक है, indefinite pronoun का, one का मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो indefinite pronoun का काम ये भी करता है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, पता नहीं किसी के बारे में, मेल है फीमेल है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ही इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। जरा एक बार लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं, फिर इनको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, पहला क्या है, एवरीवन। एवरीवन को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो कंबाइंड भी लिखते हैं और एवरीवन को सेपरेट भी लिखते हैं। एवरीवन को हम लोग कंबाइंड भी लिखते हैं बेटा, और एवरीवन को हम लोग सेपरेट भी लिखते हैं। अब एवरीवन को जब हम लोग कंबाइंड लिखते हैं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मेल फीमेल किसी की भी हम बात करते हैं, व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। एवरी वन को अगर हम सेपरेट लिखेंगे वो व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और किसी नॉन लिविंग को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या एनिमल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, राइट, ये पहला इनडेफिनेट प्रोनाउन था। अब इस पहले इनडेफिनेट प्रोनाउन को देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मैंने कहा आई हैव फाइव पेन्स एंड every one is black, मेरे पास पांच पेन हैं और प्रत्येक ब्लैक हैं, एवरी वन इज ब्लैक, ठीक है, आई हैव फाइव पेन्स एंड एवरी वन इज ब्लैक। अब यहां पर एवरीवन देखिए कंबाइंड यूज हुआ है जो कि गलत है, पेंस नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो सेपरेट हो जाएगा, एवरीवन इज ब्लैक, आई हैव फाइव पेंस एंड एवरीवन इज ब्लैक,
ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एवरीवन सेपरेट, क्योंकि यहां पर हम फाइव पेंस नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, और जब नॉन लिविंग की बात करोगे ना तो कंबाइंड नहीं आएगा, सेपरेट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये एवरीवन कंबाइंड और एवरीवन सेपरेट दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उनका यूज कैसे होना है अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, क्लियर है दोस्तों। चलिए इरेज करते हैं इसको, दूसरा है यहां पर एनीवन कंबाइंड और एनीवन सेपरेट। अगर एनीवन कंबाइंड है, अगर एनीवन क्या है कंबाइंड है, तो किसकी बात करेगा, व्यक्तियों की बात करेगा, और अगर एनीवन सेपरेट है तो ये एनिमल्स की भी बात कर सकता है, व्यक्तियों की भी बात कर सकता है, और नॉन लिविंग की बात कर सकता है, लेकिन एनीवन कंबाइंड होने पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, व्यक्तियों की बात होगी। यस और नो, क्लियर है, राइट। अब यहां पे देखिए, हमने सेंटेंस लिखा is there anyone in this cage, cage मतलब पिंजरा होता है, क्या इस पिंजरे में कोई है, तो पक्षी की बात कर रहे हैं, एनिमल्स हो पक्षी हो, ठीक है वो भी, तो अब व्यक्ति की तो बात नहीं कर रहे ना, पक्षी की बात कर रहे, तो एनीवन कंबाइंड नहीं क्या आएगा, सेपरेट आ जाएगा, इज देयर एनीवन इन द केज, क्लियर, इज देयर एनीवन इन द केज। तो यहां पर हम लोग एनीवन सेपरेट लेंगे, क्योंकि यहां पर पक्षी की बात हो रही, व्यक्ति की बात नहीं हो रही, व्यक्ति के लिए हम एनीवन सेपरेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पक्षी एनिमल्स नॉन लिविंग की बात आ रही तो कंबाइंड यूज नहीं करोगे। अब एक क्वेश्चन है, I have five pens and any one combined कर दिया can be bought। मेरे पास पांच पेन है और किसी को भी खरीदा जा सकता है, गलत, एनी वन कंबाइंड क्या है ना, इसको आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो, एनी वन, कैन बी बॉट, श्योर, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, एनी वन कंबाइंड और सेपरेट की इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये सब।
अब देखिए यहां पर हमने क्या दिया, एवरी बॉडी, फिर एवरी और बॉडी को सेपरेट कर दिया, ये हो गया एवरी बॉडी, एवरी बॉडी, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा, व्यक्ति के लिए यूज होता है, एवरी बॉडी सिर्फ और किसके लिए आता है, कोई भी बॉडी, नॉन लिविंग है, कोई डेड बॉडी है, एवरी बॉडी हैज सम एनर्जी, वहां हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, राइट right? तो कितना इंपॉर्टेंट है ना, कंबाइंड और सेपरेट इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही खास है, वन वन के बारे में डिटेल में देखो, वन क्या बताता है, वन बताता है कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी यूज करते हो, कोई भी, दैट इज वन, ठीक है। अब वन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, वन क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, वन के बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं, वन बाय वन हम लोग जरा देखते हैं। वन इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन, वन का पहले मतलब समझ में आया कि वन का मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे एक मैंने कह दिया वन शुड डू वन्स ड्यूटी, किसी को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, वन के साथ अपोस्ट्रोफ एस आएगा, ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि भाई इसका पॉजिटिव केस वन अपोस्ट्रोफ एस बनता है, पर्सनल प्रोनाउन में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसलिए इनडेफिनिट है। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे बेटा, बात कर रहे थे कि वन इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन, ठीक है। अब रिप्लेस अ नाउन कैसे, आई हैव अ न्यू कार बट यू हैव एन ओल्ड वन, मेरे पास एक नई कार है लेकिन तुम्हारे पास पुरानी है, तो पुरानी कार है ना, तो कार लिखने की वजह हमने यहां पे लिख दिया वन, बट यू हैव एन ओल्ड वन, आई हैव अ न्यू कार बट यू हैव एन ओल्ड वन, मेरे पास एक नई कार है लेकिन तुम्हारे पास पुरानी कार है, बट यू हैव एन ओल्ड, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, वन को हम रिप्लेस के लिए यूज करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर किसी भी प्रोनाउन का प्लूरल, नाउन का प्लूरल एस और ईएस लगकर लगता है, लेकिन कभी भी प्रोनाउन का प्लूरल ना एस और यस लगकर नहीं बनता, लेकिन वन एक ऐसा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, वन एक ऐसा इनडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका प्लूरल जो है एस लगकर बनता है, वन ई एस, ठीक है,
वन ईयर्स, वंस प्लूरल वर्ब। कैसे? अब यहां पर इसको देखते हैं, यू हैव न्यू कार्स बट आई हैव ओल्ड वंस। तुम्हारे पास नई कारें हैं लेकिन मेरे पास ओल्ड कार्स है, तो कार्स प्लूरल है, उसको ना करके हमने वंस रिप्लेस कराया, लेकिन अब प्लूरल ही लगेगा ना, एस लग जाएगा, बट यू हैव ओल्ड वंस, बट आई हैव ओल्ड वंस। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। वन के बाद में ये कुछ हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस थे जो हम लोगों ने देखे और इनके यूसेज भी हम लोगों ने देख लिए, ठीक है, राइट। ये मेन हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस थे। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, ये दिस, दैट वो, दीज ये, दोज वो, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। हमने कहा दिस इज My college, तो this indicate कर रहा है इसको, this is my college को, demonstrative pronoun, that indicate कर रहा है उसको, demonstrative pronoun, ठीक है। तो यहां पर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। एक बात और समझना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन तो है नहीं, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अब चूंकि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसमें बेटा कुछ बताने वाला ऐसा सच नहीं है, एग्जामिनेशन में कुछ खास इससे आता नहीं है और कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं देखा गया है, बट एक पॉइंट आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, दिस दैट दीज दोस, दिस दैट सिंगुलर, दीज दोस प्लूरल। ठीक है, राइट, तो बस नॉर्मली पता हो जाना चाहिए दिस दैट दीज दोज आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इस पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद एक प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन क्या कहलाते हैं आपके? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन,
लेकिन सारे नहीं होंगे। कौन कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं? हु आता है, हुम आता है, विच आता है, व्हाट आता है और हुज भी आता है। ठीक है, हु आता है, हुम आता है, विच आता है, व्हाट आता है और हुज आता है। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन आप कहेंगे सर डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स तो और भी सारे हैं, वाई है, वेन है, वेयर है, वाई वेन वेयर हाउ, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं? अगर कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो उसका लॉजिक भी तो यहां होना चाहिए और वो लॉजिक यहां होगा। ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं, इसलिए प्रोनाउन है। अब कैसे हैं बेटा जरा देखना। मैं आपसे कहता हूं हु आर यू, आपने कहा आई एम अक्षय, तो अक्षय नाउन है ना, और जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके उसने इसको रिप्लेस कर दिया, उन्हें क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, तो हु क्या हो गया, रिप्लेस कर रहा है नाउन को, ये प्रोनाउन हो गया चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाए। उसी तरह से हुम भी, मैंने कहा हुम डिड यू मीट, आपने कहा आई मेट श्वेता, तो श्वेता नाउन है, उसी के लिए तो क्वेश्चन आया था किससे मिले हूं, तो इंटर क्वेश्चन में इसने इसको रिप्लेस किया, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इसी तरह से बेटा हु भी होता है, हु और हुम तो है ही है, इसी तरह से व्हाट विच और हुज भी है। व्हाट का तो ओरल एग्जांपल देते, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज आदित्य, व्हाट किसके लिए आया था, आदित्य के लिए, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो क्या है वो, प्रोनाउन होगा, और क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इसलिए बेटा हु हुम व्हाट विच हुज इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन व्हाई हाउ व्हेन ये नाउन को रिप्लेस नहीं करते। तो अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम लोग देखते हैं ना, वो देखते हैं हु और हुम को। किसको देखते हैं? हु और हुम को देखते हैं। हु की देखिए बात करते हैं यहां पर। हु क्या करता है? एज अ सब्जेक्ट ट्रीट होता है। कैसे ट्रीट होता है? एज अ सब्जेक्ट, या हम कह दें एज अ डूअर ट्रीट होता है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट होता है और एज अ डूअर ट्रीट होता है। क्लियर? देखिए यहां पर एक बात समझना ये है कि हु एज अ सब्जेक्ट एज अ डूअर ट्रीट होता है, मतलब एज अ कर्ता ट्रीट होता है। ठीक है, तो जहां पर सब्जेक्ट की बात है, डूअर की बात है, कर्ता की बात है, तो आप हु का यूज करेंगे।
अब हमने कहा इसके साथ में होम को भी देख लो, फिर हु और होम को एक साथ देखते हैं। होम क्या होता है? एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, ये मतलब कर्म। कर्म क्या होता है? जिसपे वर्ग का प्रभाव पड़े। और सब्जेक्ट हु क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट, एज अ डूअर। अब यहां पे सेंटेंस देखना जरा, हु विल टीच यू इंग्लिश। मैंने कहा हु विल टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। तो अब यहां पर तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू इंग्लिश, यहां पर कौन पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाएगा वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसी के लिए हु का यूज हुआ है। तो ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डूअर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हु का यूज हमने कहा, यूज हमने किया। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें और कह दें whom will you teach English, अब यहाँ पे दोनों का ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन देखो, मजा आएगा समझने में और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगेंगे आपको इसमें। Who will teach English, who will teach you English में who will teach you English में you object है, ठीक है, और इसको जो भी इंग्लिश पढ़ाएगा वो सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा। कौन पढ़ाएगा? जिसको यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट है, डूअर है। लेकिन हुम विल यू, तुम किसको पढ़ाओगे, तो यू सब्जेक्ट है और तुम क्या करोगे, टीच करोगे, वर्ब, यू नो एक्शन, ये एक्शन क्या है, टीच है, ठीक है। और जिसको भी करोगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, राइट, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर होम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की जब बात आएगी तो होम आएगा, तो होम विल यू टीच इंग्लिश और हु विल टीच यू इंग्लिश, दोनों में ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ये है, ठीक है। राइट, जब सब्जेक्ट की बात आती है तो बेटा हु आएगा, और जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, घूम आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझना, हु ऑब्लिक होम met you, दूसरा who oblique whom I met। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या फील होगा, बात की बात करेंगे, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है,
ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया, क्या वर्ब बिना सब्जेक्ट के आएगा? ऐसे भी समझते हैं, देखो बिना सब्जेक्ट के आएगा, नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, मतलब हु लगाना पड़ेगा, हुम नहीं हुआ, हु मेट यू, तुमसे कौन मिला, हु मेट यू, तुमसे कौन मिला, जो भी मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा, ऐसे। तो हर तरीके से ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन से भी समझ रहे हैं कि भाई यू ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आगे कमी किसकी, सब्जेक्ट की, क्योंकि वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, हु लिख दो, ठीक है। दूसरा क्या है, हु और हुम, आई मेट, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मेट क्या है आपका, मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, जरूरत किसकी, ऑब्जेक्ट की, जिससे मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब हुम की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे क्या होगा, हुम होगा, ठीक है। तो हु और हुम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है फॉर श्योर, कहां पे हु लगने वाला है, कहां पे हुम लगने वाला है, क्लियर। चलिए ना, अब देखते हैं हम लोग हु और हुम का केस हो गया, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट विच की। विच एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, विच एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, जरा देखिए, मैंने कहा कि विच इज योर फेवरेट मूवी अमंग द फॉलोइंग, तुम्हारी निम्नलिखित में से, नीचे में से जो भी है मूवीज में फेवरेट मूवी कौन सी है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, चुनाव के लिए यूज कर रहे, ठीक है, सिलेक्शन की बात करी जा रही, चुनाव की बात करी जा रही है, तो विच का यूज बेटा सिलेक्शन के लिए होता है, चुनाव के लिए होता है। और कई बार हम लोग गलती करते हैं और वहां पे कुछ और प्रोनाउन का यूज करते हैं, यहां पर सही है, हु इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवीज अमंग द फॉलोइंग। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया, Who is your brother in the crowd? Who is your brother in the crowd? क्या ये sentence सही है? गलत है। क्या ये sentence सही है? गलत है। क्योंकि अब crowd है, उनमें आपका भाई कौन है, तो ये बात किसकी आ रही है? सिलेक्शन की आ रही है, चुनाव की आ रही है,
सिलेक्शन की आ रही है, चुनाव की आ रही है, तो यहां पे हु नहीं आएगा, विच आ जाएगा, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। ये बोलने में ऑड लग रहा होगा बेटा, लेकिन यही सही है, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। ठीक है, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड नहीं होगा बेटा। आप लोग ने ये जीए या जीएस का क्वेश्चन सुना होगा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ The Satanic Verses। निम्नलिखित में थे Satanic Verses के author कौन हैं? Which of the following is the author of the Satanic Verses? Satanic Verses किताब है, उसके author कौन है? तो which of the following क्यों लिखकर आता है? क्योंकि यहाँ पर बेटा select करना है ना, A, B, C, D, ये चार options है ना, सेलेक्ट करना है ना इनमें से, और जब सेलेक्ट करना है तो हम लोग विच का यूज करते हैं, हु का यूज नहीं करते, विच का यूज करते हैं। इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक ऑफ, इज द ऑथर ऑफ द बुक द सैटनिक वर्सेस। अब यहां पे देखिए, मैंने लिखा स्टेटमेंट हु इज द ऑथर, ऑफ द बुक कोई भी मान लो, एक्स वाई जेड कोई। अब बताओ यहां पर ये सेंटेंस सही है गलत? बेटा ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर नाम पूछा जा रहा, कौन है ऑथर, आंसर करना है, सिलेक्ट नहीं करना, सिलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है। सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो यहां पर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन ये होता हु इज द ऑथर ऑफ द बुक Among the following personalities, so he is the author of the book among the following personalities mein, among the following personalities you have to choose, you have to select। और जब choose करना है, select करना हो, तो बेटा who नहीं आएगा, क्या आएगा? विच आ जाएगा, विच इज द ऑथर ऑफ द बुक अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी। ठीक है, बोलने में हो सकता है ऑड लग रहा हो बेटा आप लोगों को, कई लोगों को अजीब लग रहा होगा, सर विच इज द ऑथर, बेटा अजीब लग रहा होगा लेकिन वो बिल्कुल सही है। जो चीज हम पहली बार जानते हैं, अब तक सुना नहीं है, तो ऑब्वियस बात है अजीब लगेगा ही लगेगा, लेकिन करेक्ट तो है ही। ठीक है, चल
नेक्स्ट, बात समझ में आया विच का यूज फॉर सिलेक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, चाहे लिविंग की बात हो चाहे नॉन लिविंग की बात हो, वॉट एवर. वॉट इज योर नेम, सिंपल बताता है क्या, कुछ इसमें खास बताने वाली जरूर बात नहीं है, ठीक है. वॉट इज योर नेम, वॉट यू हैव डन, ठीक है, ये लेकिन एक बार क्वेश्चन विच और व्हाट के डिफरेंस में आया था, जरा देखते हैं उस चीज को. क्वेश्चन था इज द वे टू द जू, जू की तरफ रास्ता कौन सा है, विच और व्हाट. तो यहां पर जू की तरफ रास्ता कौन सा है, ठीक है, ये बात यहां पर पूछी जा रही है. तो विच आएगा या व्हाट आएगा. तो देखो कई बार क्या होगा, सेंटेंस में सिलेक्शन छुपा होगा, चुनाव छुपा होगा. अब वहां पर ऑब्वियस या तो चार रास्ते होते हैं जनरल या दो रास्ते, तो उनमें से कोई ना कोई पूछा जा रहा हो कौन सा रास्ता है, इधर जाएं या इधर जाएं, या चौराहे पे खड़े हैं तो कहां जाएं, इस साइड इस साइड इस साइड या इस साइड, ठीक है. तो यहां पर बात यह है कि जब अंडरलाइंग हो या अंडर छुपा हुआ हो सिलेक्शन, तो वहां पर भी विच का यूज हम लोग कर सकते हैं. अब यहां पर क्या है, छुपा हुआ है, कि क्या छुपा हुआ है, क्या हिडन है, रास्ता, कई रास्ते उनमें से बताना है कोई, तो यहां पे विच इज द वे टू द जू, विच इज द वे टू द जू होगा, व्हाट नहीं होगा, क्लियर. लेकिन एसएससी ने थोड़ा सा एक बार ट्विस्ट किया, ठीक है, ट्विस्ट हुआ उनके क्वेश्चन में, और जब ट्विस्ट हुआ तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से प्रेजेंट हुआ. क्वेश्चन ये आया डैश इज, टू द जू, डबल इनवर्ट कॉमास में क्लोज, द वे टू द जू. अब यहां पे देखिए कि इज द वे टू द जू हम लोग कर रहे हैं, और द वे टू द जू डबल कॉमास में कैपिटल में, तो इसका मतलब अब ये कैपिटल लेटर में अगर आ गया तो इसका मतलब ये किसी का नाम है, ये रोड का नाम हो सकता है, ये आपका बुक का नाम हो सकता है, ये मूवी का नाम हो सकता है, ये किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है. जब कैपिटल में आ गया तो बेटा ये प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है. अब यहां पर ये इस तरह से नहीं है कि रास्ता कौन सा है, ये रास्ते की बात नहीं है. द वे टू द जू इज अ नेम ऑफ, इट कैन बी अ नेम ऑफ अ बुक, इट कैन बी अ नेम ऑफ अ मूवी, इट कैन बी नेम ऑफ अ बिल्डिंग, और इट कैन बी अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है. तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हाट, व्हाट इज द वे टू द जू, द वे टू द जू क्या है, ये बुक का नाम है, ये फिल्म का नाम है, ये प्लेस का नाम है, ठीक है, क्या है, ठीक है. तो यहां पर व्हाट आया,
तो अब आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका है who, whom, which, what. अब एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन बचा है, वो क्या है, whose. इसको भी देख लेते हैं, ठीक है. तो यहां पर whose is this bag, अगर हम कहते हैं whose is this bag, ये bag किसका है, तो यहां पर whose आया, ये as an interrogative pronoun, as an interrogative pronoun, whose is this bag, ये bag किसका है. तो whose as an interrogative pronoun पोजिशन को शो करता है, अधिकार को शो करता है, किसका, किसकी, ऐसा शो करता है, ठीक है. बात समझ में आ रही है आप लोगों को, डन. तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आई होप आप लोगों को, देखिए हुज में कुछ खास बताने वाला है भी नहीं, ठीक है. बस यहां पर ये बताना है कि ये एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है. ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं. इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है. अच्छा, अब यहां पर एक चीज है और जो अभी डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में भी, दैट इज पॉजिटिव प्रोनाउन, तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन में भी आ जाएगा, ठीक है. तो फिलहाल आपके जो बचे हुए हैं प्रोनाउन्स वो हैं अब आपके पर्सनल प्रोनाउन, और आपका है रिलेटिव प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन को इंडिकेट करता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, और फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन. तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट जो भी आपका होगा प्रोनाउन का उसमें देखेंगे, ठीक है. तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में ही पूरा एक से सवा घंटा लग जाएगा समझने में भी, क्योंकि बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन जितने भी हैं, आई वी, उनके बारे में समझना, सेकंड पर्सन जितने हैं उनके बारे में समझना, थर्ड पर्सन जितने हैं ही शी इट दे उनके बारे में समझना. रिलेटिव प्रोनाउन तो ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में बनते हैं. तो बेटा यहाँ पर बात यह है कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वास्तव में बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके एग्जामिनेशन में आने के,
बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके एग्जामिनेशन में आने के, ठीक है, राइट। चाहे बात करें हम पर्सनल प्रोनाउन की या हम बात करें आपके रिलेटिव प्रोनाउन, तो दोनों को हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पार्ट 3। अब तक हम लोगों ने कितने पार्ट कर लिए बेटा? प्रोनाउन पार्ट 1 कर लिया है, ठीक है, प्रोनाउन पार्ट 2 कर लिया है, 1 और 2 कर लिया है अच्छे से। अब हम लोग करेंगे प्रोनाउन पार्ट 3। और प्रोनाउन पार्ट 3 में दोस्तों दो चीजें जो हम पढ़ेंगे मेनली, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा पूरा इसमें, पर्सनल प्रोनाउन। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पार्ट 3 में पर्सनल प्रोनाउन ही हो पाएगा पूरा। पर्सनल प्रोनाउन बड़ा भी है बेटा, इंटरेस्टिंग भी, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर हो सकेगा तो पार्ट 3 में हम लोग आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन भी स्टार्ट कर देंगे कम से कम, ठीक है, राइट। नहीं तो पार्ट 3 के बाद में आपका आ जाएगा पार्ट 4, और पार्ट 4 में बहुत ही धड़ल्ले से हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आप सभी ने पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चंस और रिलेटिव प्रोनाउन से देखे होंगे, ठीक है, राइट। तो जो हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 बनने वाला है प्रोनाउन का, वो अपने आप में गजब है, अपने आप में ऑसम है, क्योंकि उसमें टॉपिक्स बहुत ही अच्छे, जो प्रोनाउन के हम कह सकते हैं, जो प्रोनाउन की जिसमें जान बसती है, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, एग्जामिनेशन की बात कर लें या किसी की बात कर लें, वो हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 में देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप एंड आई बिलीव कि आप लोगों को ये मेरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहता हूं कि मेरा वीडियो जब भी आप देखें, कंप्लीट देखें, पूरा देखें, और जब आप पूरा देखेंगे तब जाके आपको लगेगा हाँ भाई कि कुछ हमें अलग मिला है। कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में देख रहे हैं या कुछ बोरिंग सी चीज लगी या अनइंटरेस्टिंग लगी तो हम छोड़ देते हैं देखना, ऐसा ना करें। आप कंप्लीट देखें, और कंप्लीट देखने के बाद आपको जबरदस्त कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिले। तो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much. Love you all. Take care. Stay connected and keep learning. Let's crack it.